हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बोटनी का पेपर डिस्कस करेंगे, वो भी पार्ट टू का। बोटनी पार्ट टू जिसका सब्सिडरी हो उसके लिए 2020 में ये पेपर पूछा गया था। मेरा पेपर है, हमने इसी पेपर से एग्ज़ाम दिया था, तो उस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। और यदि आप इस बार पार्ट टू का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये देख लेना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। तो यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन। तो एक बार ज़रूर देखें, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। आइए शुरू करते हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग, लीनियस को किसका क्रेडिट दिया जाता है? तो लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्रेडिट किसको जाता है? तो लिनियस को। आंसर हमारा फोर्थ सही है। इसीलिए जैसे पोटैटो का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। दो नाम, एक जीनस एक स्पीसीज एपिथेट है, तो जीनस और स्पीसीज नेम जो दिया गया था ये लिनियस के थ्रू ही दिया था, तो इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्रेडिट लिनियस को जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक डील्स विथ, तो सिस्टमेटिक डील्स किसे करता है? तो सबसे आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज टर्म्ड एज, क्लासिकल टेक्सोनॉमी को और क्या कहा जाता है? तो सिस्टमेटिक्स इज ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाई हटचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था वो कौन था? तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हटचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर, द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफोरबियासी का पुष्पक्रम पाया जाता है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो साइथियम कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस है किसका? यूफोरबियासी का किसी एक मेंबर का नाम बताइए, तो एक प्लांट का, तो क्या है? तो रबर ट्री यूफोरबियासी फैमिली से बिलोंग करता है, रबर ट्री हेविया ब्रिसलियंसेस। नेक्स्ट, इनडेफिनिट स्टेमेन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, इनडेफिनिट स्टेमेन किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये है मालवेसी का फीचर है इनडेफिनिट स्टेमेन। देखिए, क्रूसीफेरी फैमिली में है, सो सिक्स स्टेमेन इन टेट्राडाइनमस कंडीशन, फोर स्टेमेन आर लॉन्गर देन द अदर टू, चार बड़ा होता है दो छोटा होता है, किसमें? क्रूसीफेरी में। सोलेनेसी फैमिली जो पोटैटो का फैमिली है, सो फाइव स्टेमेन इन इपीपेटलस कंडीशन, पोटैटो है, चिली है, टोमेटो है, सब सोलेनेसी फैमिली में आता है। ग्रेमनी फैमिली सोज थ्री स्टेमेन विथ फ्री फिलामेंट, लेकिन मालवेसी फैमिली सोज इनडेफिनिट स्टेमेन, हमको इनडेफिनिट स्टेमेन से काम है, इनडेफिनिट स्टेमेन विथ यूनाइटेड फिलामेंट इज ए ट्यूब, दिस कंडीशन इज नॉन एज मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस किस में होता है? तो मालवेसी मोनोडेल्फस। नेक्स्ट, बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट कौन है? तो बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट कौन? तो स्पीसीज इज द बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट है। मूल वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? तो जाति। देखिए, ईच यूनिट ऑफ कैटेगरी और ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सोन, इट रिप्रेजेंट रैंक, द स्वीडिश बोटनिस्ट कार्ल लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है, एज ई डेवलप ए सिस्टम ऑफ नॉन एज लीनियन टेक्सोनॉमी फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज ओरिजिनली क्वाइंड बाय ऑगस्टन पायरमस डे कंडोल। ये जो टेक्सोनॉमी शब्द दिया था, डी कंडोल ने दिया था टेक्सोनॉमी शब्द 1813 में। लीनियस द फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सोन इज द स्पीसीज, जो स्मॉलेस्ट टेक्सोन या बेसिक यूनिट है मूल वर्गीकरण की इकाई कौन है? तो स्पीसीज है। इन बायोलॉजी स्पीसीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी में बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ए टेक्सोनॉमिक रैंक एज वेल एज यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल सिस्टम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? फाइलोजेनी, मतलब जो एंसेस्टर से करेक्टर लेके आया है वही, उसी को कहते हैं फाइलोजेनी।
नेक्स्ट देखिए, द लिविंग टिश्यू डैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। निम्न में से कौन सा जीवित ऊतक पौधे के वृद्धि करने वाले भाग को सहायता करता है? तो कोलेनकाइमा। कौन है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू इसको कहा जाता है कि लीफ जैसे सपोर्ट, लीफ जो खड़ा होता है, लीफ प्लांट से जो अटैच है स्टेम से, इतना हवा आंधी तूफान चलने के बाद लीफ नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि उस वो जो पेट्यूल है लीफ का, उसमें कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको। नेक्स्ट, मेजर पार्ट ऑफ वुड ऑफ ओल्ड डायकोट स्टेम इज फिल्ड विथ टैनिन रेजिन एंड गम इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? हार्ट वुड। हार्ट वुड कहते हैं, हार्ड वुड नहीं कहते हैं, हार्ट वुड कहते हैं। वुड होता है हार्ट वुड। हाँ, ये टैनिन रेजिन और गम के डिपोजिशन से वुड हार्ड जरूर हो जाता है, हार्ड, लेकिन उस वुड को क्या कहते हैं? उस वुड को हार्ट वुड कहते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, हमने भी इसमें गलती कर दिया, लेकिन आंसर क्या है तो हार्ट वुड है। पता तो था लेकिन उस समय थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। 13, द मेजर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इन प्लांट इज, प्लांट में सीव ट्यूब का क्या काम है? तो सीव ट्यूब का काम है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का क्या काम है? वाटर कंडक्शन करना। और फिल्म, फिल्म के अंदर कौन कौन होता है? सीव ट्यूब कंपेनियन सेल, वो क्या है? तो यही ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसलोकेट करता है। नेक्स्ट, द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ द कॉर्क सेल करा है, का कॉर्क कोशिका की भित्ति से जुड़ी हुई मोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो सुबेरिन। कॉर्क पे क्या डिपोजिशन होता है? सुबेरिन डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण कॉर्क हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट, लेटरल रूट ओरिजिनेट इन, लेटरल रूट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो लेटरल रूट ओरिजिनेट होता है पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल ओरिजिनेटेड लेटरल रूट, लेटरल रूट कौन ओरिजिनेट करता है? पेरिसाइकिल। नेक्स्ट देखिए, द अपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज फाउंड इन, क्या रूट में अपिकल, किस प्रकार के जड़ों में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है? किस प्रकार के जड़ों में? तो एपिकल मेरिस्टेम तो सब रूट में पाया जाता है, चाहे वो टैप रूट हो, रेडिकल हो, एडवेंटिशियस रूट हो, सभी प्रकार के रूट में एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। नेक्स्ट, विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट, गर्थ मतलब होता है उसका डायमीटर, डायमीटर बढ़ाने में कौन मदद करता है? एपिकल मेरिस्टेम नहीं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, वो गर्थ बढ़ाने का काम करता है। एपिकल मेरिस्टेम हाइट बढ़ाता है, नया नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल के पास होता है, और लेटरल मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाता है, डायमीटर, पेड़ चौड़ा होता है, वाइड होता है, मोटा होता है। फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय ग्रीन शूट्स इन, किन पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य टहनियों द्वारा लिया जाता है? टेकन अप बाय शूट्स, टहनी, स्टेम कहाँ फोटोसिंथेसिस करता है? जो जीरोफाइट होता है। जीरोफाइट में क्या होता है कि लीफ मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, जैसे कैक्टस, कैक्टस का जो भी लीफ था वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है, क्योंकि कैक्टस जीरोफाइटिक प्लांट है, वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो पानी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा? लीफ रहेगा तो ट्रांसपिरेशन की घटना ज़्यादा होगी, तो एक तो वैसे ही पानी कम है, जो भी पानी है बचा वो अगर ट्रांसपिरेशन में चला जाएगा, वाष्पीकरण में चला जाएगा, तो उसके पास बचा कैसे, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा कैसे? तो फिर तो क्या करता है, लीफ को हटा के उसको स्पाइन बना लेता है। और फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? तो अपने सूट के थ्रू, उसका जो फ्लैटेंड सूट होता है उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है। तो जीरोफाइट, जीरोफाइट मतलब जहाँ पानी की कमी हो। नेक्स्ट, जीरोफाइट हैव लीव्स विच आर रिड्यूस्ड और मॉडिफाइड इनटू, अभी हम डिस्कस किए हैं स्पाइन। जीरोफाइट में जो लीव्स होता है किस में मॉडिफाई हो जाता है? तो स्पाइन में, कांटा में, जैसे कैक्टस में देखेंगे कांटा नोकीला निकला होता है, क्या उसका लीफ है, मॉडिफिकेशन हो गया है स्पाइन में, लीफ का मॉडिफिकेशन है स्पाइन। फिलोड इज ए लीफ मॉडिफिकेशन मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस अडाप्टेशन फॉर, फिलोड कहाँ पर? तो जीरोफाइट में। कहाँ? जीरोफाइट में। फिलोड भी वही है, फिलोड में भी लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि लीफ होता नहीं है, तो फिलोड लीफ का मॉडिफिकेशन, पेट्यूल लीफ बन जाता है, पेट्यूल लीफ का काम करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो जीरोफाइटिक कंडीशन में ये होता है क्योंकि पानी कम है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? जीरोफाइट, जीरोफाइट। और फिलोड का एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे तो फिलोड का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकासिया, ऑस्ट्रेलियन एकासिया एंड पार्किंसोनिया, एनसीईआरटी का है ये, 10th का 11th का, पार्किंसोनिया, ये फिलोड का एग्जाम्पल है। फिलोड होता है, फाइलोक्लोडेड होता है, क्लेडोड होता है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे डिस्कस करेंगे 20 तक। अगर कहीं कोई गलती हो या कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं।
और हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें। धन्यवाद।